नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान के अलवर क्षेत्र के अंदर जो लक्ष्मणगढ़ तहसील है, इधर पुली गांव पड़ता है, और इसमें हम आपको लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन करा रहे हैं। आज मेरी एंट्री उधर ही हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, भैया एक बार ये टी पॉइंट दिखा दीजिए। जैसे ही हम गाँव में एंट्री करते हैं तो यहाँ पर लोगों की आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, और आस्था का सैलाब भी इतना जबरदस्त है कि राजस्थान तो क्या, राजस्थान में पहला इस कलयुग के अंदर रुद्र महायज्ञ हो रहा है, और इस रुद्र महायज्ञ के अंदर गांव वालों का कितना सहयोग है, कितनी सच है उस महाराज जी के प्रति, उस चीज को हम इन गांव वालों के मन से टटोलना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं उस महाराज जी के बारे में। और यहाँ पर लगातार करीब करीब एक महीने से ये यज्ञ का और जो हवन का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर, और लगातार यहाँ पर अखंड भंडारा चल रहा है। थोड़े से चौधरी जी, तो कौन से गांव के निवासी हैं अपन? नारागवास के रहने वाले। अच्छा, तो यहाँ पर जो आप ये लगातार जल सेवा का कार्य कर रहे हैं, आपके अंदर कैसे मन में उमंग जागी? नहीं, ये इतनी पब्लिक कर रही है, कुछ धर्म तो हो जाएगा। धर्म को आप मानते हैं? सनातन धर्म को? हाँ, धर्म को मानते हैं ना। तो ये जो महाराज जी है लगातार जो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई चमत्कार हो गया, एक कुएं में करीब करीब 20 साल से सूखा पड़ा था, उसके अंदर ऑटोमेटिकली पानी आ जाना, क्या कुछ ये तो सत्य है। महाराज जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं महाराज जी। महाराज जी कौन से गाँव के हैं? लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई चमत्कार के नाम पर ढोंग विद्या की जा रही हो? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, इतनी पब्लिक थोड़ी पागल हो जाएगी। मानते हैं चमत्कार को? सनातन में ताकत है? ताकत है। कितनी ताकत मानते हैं आप? तो बहुत ज्यादा मानते हैं। बाबा ने क्या कोई तपस्या की है कैसे? हाँ, पहले तो तपस्या की थी, सुना है ऐसा। मेरे साथ में और भी भक्त यहाँ पर मौजूद है, आपका भी शुभ नाम जानेंगे। रिंकू राज। रिंकू राजपूत, क्या कहना चाहेंगे उस तपस्वी महाराज जी के बारे में? आप यहाँ पर लगातार आप प्याऊ की जल की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि टेम्परेचर करीब करीब 45 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है यहाँ पर, और एक स्वयं ब्रह्मा का अवतार माना जाता है बरगद का पेड़, उस पेड़ के नीचे इन्होंने यहाँ पर एंट्री पॉइंट पर, यहाँ पर एंट्री पॉइंट पर ही इन्होंने एक ठंडे पानी की प्याऊ लगा रखी है। यहाँ पर जो भी महाराज जी के पास जा रहे हैं, जो महाराज जी से मिलने जा रहे हैं, कोई हवन में जा रहा है, कोई गांव के लिए जा रहा है, उनके लिए यहाँ पर ठंडे जल की व्यवस्था की गई है, क्या कहना चाहेंगे? जनता की सेवा कर, जनता की सेवा कर रहे हैं। आपका भी शुभ नाम जानेंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राजपूत जी। क्या कहना चाहेंगे? बाबा जी ने हमारा इसमें बहुत एक महीने से बहुत अच्छा काम किया है। भैया इधर आ जाइए। रासलीला राम जो सूखे कुएं में पानी हो रहा है, इससे बड़ी क्या खूबी है, अच्छा ही है हम बाबा में। यहाँ पर क्या पानी का हम जल स्तर की बात करें तो कितना जल स्तर है? 280 फुट नीचे। 280। इधर की तरफ आ जाइए आप। आपका भी नाम जानना चाहेंगे। अरुण चौधरी। अरुण चौधरी जी, यहाँ पर आप भी लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं, और करीब करीब एक महीने का वक्त हो गया है इसको, तो क्या कहना चाहेंगे? बाबा तपस्वी हैं या बाबा के बारे में? बिल्कुल तपस्वी है बाबा, अच्छे हैं बिल्कुल। आप कभी बाबा से मिले हैं? बिल्कुल, दो बार दर्शन करके आया हूँ। कैसा फील होता है अब? बिल्कुल महसूस अच्छा फील होता है कि बाबा जी हकीकत में ही सिद्धि पुरुष है। सिद्ध पुरुष मानते हैं? हाँ। आपका भी शुभ नाम जानना चाहेंगे। जयराज चौधरी। जयराज चौधरी जी, टेम्परेचर की हम बात करें तो मेरे हिसाब से दैनिक भास्कर वालों ने तो 23 तारीख से नौतपा की घोषणा की है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि करीब करीब 2 से 3 दिन तो ऐसे हो गए कि यहाँ पर 45 डिग्री का टेम्परेचर है, और इस 45 डिग्री के टेम्परेचर पर नंगे पैर चलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और इस मुश्किल घड़ी के अंदर, और इधर की तरफ चुनावी दौर है, और यहाँ पर एक कलयुग का सबसे बड़ा महान यज्ञ हो रहा है, रुद्र महायज्ञ, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हो रहा है साहब, और देखो आस्था होती है वहाँ, ये नहीं देखते क्योंकि ये गर्म है, ये ठंडा है, इसलिए लोग वहाँ दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ पे। आप कभी महाराज जी से मिले हैं? मिले, साक्षात दर्शन की बात हुई है महाराज जी से? नहीं, वो मौन धारण कर रखा है उन्होंने। कब से कर रखा है मौन धारण?
मालूम नहीं, सुना है 4 साल से मौन धारण। हाँ ऐसे ही सुना है हमने, जन कब से कर रखा है लेकिन मौन धारण। देखिएगा यहाँ पर मैं जावली गांव के अंदर एंट्री करने से पहले यहाँ पर भाइयों ने यहाँ पर प्याहू लगा रखी है। कहते हैं ना कि आस्था, इंसान के अंदर आस्था और श्रद्धा होनी चाहिए, वो मंजिल आसान हो जाती है। तो मैं इस गांव के अंदर एंट्री पॉइंट पर इन्होंने यहाँ पर इस तरह का कुछ जल प्याऊ लगा रखी, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है और इसमें कंठ सूखने लग जाते हैं। और यहाँ पर मेरे साथ में और भैया आ चुके हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि वो इस तपस्वी संत के बारे में। भैया थोड़ा से कैमरे के सामने बताइए, आप इधर की तरफ आइए, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम पंकज चौधरी। पंकज चौधरी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस तपस्वी महाराज के बारे में? तपस्वी महाराज के बारे में बहुत कुछ फेमस है, बताइए आप तो खुल के बोलिए। तो ये महाराज जी ऐसा तो नहीं कोई ढोंग विद्या कर रखी हो? नहीं ढोंग विद्या बिल्कुल नहीं है, इंडिया का पहला यज्ञ है, जो बड़ी महत्वपूर्ण उनके कलयुग का पहला यज्ञ है, जो बड़ी कठिनाइयों से ऊपर आया, इतना बहुत सेवा का मौका दे रही है जनता। इतना बड़ा मैनेजमेंट और उसको हैंडल करना किस तरह, किस नजरिए से देख रहे हैं आप? हम तो हमारी बहुत वो लगा रखी है, अनेक सुविधाएं बहुत नजरिए से देख रहे हैं, सेवा का मौका दे रहे हैं वहाँ पे टाइम टू टाइम। किस तरह की सेवा दे रहे हैं आप? शारीरिक सेवा दे रहे हैं मेहनत करके या फिर पैसे? शारीरिक सेवा भी दे रहे हैं, अनेक पानी की प्याऊ भी चल रही है वहाँ पे, पैसे की भी मदद कर रहे हैं जो हमारे लायक है। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि कलयुग का सबसे बड़ा रुद्र महायज्ञ होने जा रहा है, और यहाँ पर बाबा के बारे में बताया जा रहा है कि भैया यहाँ तो 20 साल से सूखी कुएं के अंदर पानी आ गया, उसमें कितनी सच्चाई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि टैंकर से पानी भरवा रखा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो है जो पानी उसमें बाबा की कृपा से ही हुआ है, वो थोड़ा है कम है ये पता नहीं, पर हुआ बाबा की कृपा से ही है। तो इसे सनातन धर्म में चमत्कार मानते हैं आप? हाँ सनातन धर्म में चमत्कार भी मानते हैं ना। अपना शुभ नाम? पंकज चौधरी। पंकज चौधरी कौन सी जगह से? हम जावली पंचायत धाराकवास गांव से हैं। जावली पंचायत धाराकवास गांव है, इन्होंने एंट्री पॉइंट पर यहाँ पर जल प्याऊ लगा रखी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों का क्या कहना है, क्या मानस है उस महाराज जी के प्रति, कि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं ऐसे त्यागी तपस्वी महान संतों के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए। मैं कैमरामैन अशोक के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।